अस्सलाम वालेकम जी। एक नई वीडियो के नाल जिन्हें लोगों ने साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि साड़ी हर नई आने वाली वीडियो तुहानू तो मिलती रहे। ठीक है जी। है और इस तो अलावा भी जो लोग स्पेन की खबरों तो इंट्रस्टिड ने, स्पेन दे या स्पेन इन फ्यूचर आना चाहते हैं या यूरोप को इंट्रस्ट रखते हैं, वो तो साडा चैनल लाजमी सबसक्राइब करो है, ताकि असं बड़ी मेहनत नाल वीडियो बनाने, कोशिश करने कि जो ओरिजिनल फैक्ट्स होंगे ने उन्होंने गल करिए, सच्ची गल करिए और बड़ी ढूंढ के कन्फर्मेशन करके असी कोई भी वीडियो जी अपलोड करने हैं, ताकि फिर है लोग सानू सराहते भी ने, कमेंट सैक्शन जाकर भी दसते हैं कि बड़ी अच्छी थोड़ी वीडियो होंगी है, कि मैं कोशिश करना कि अगू पिछू झूठ ला के ना करिए। जी ए वीडियो यदा भी बुनियादी मकसद है वे कि लोगों साड़ियां आगाही देना, खास तौर पर जोड़े 40 साल तो टप जाते हैं बंदे है जिन्हें एज अबव 40 होंगी है, कि वह किस तरह की मुस्तकबिल की प्लानिंग करन है कि वह स्पेन दे विच रह के यानी कि उसका इन्हों फायदा हो जाए है। ठीक है जी। है ये बेसिकली जी युद्ध है ये पेनशन का मुतबादल है। ठीक है जी। है कि यह भी मैं तुम दसना वा, मैं इस तो पहले पेनशन उत्ते भी वीडियो बनाई सी, दो है जिन्हें मैं तकसीम किया 65-67 साल तक जो पेनशन होंगी वह, लेकिन यह जी युद्ध है ना ये 52 साल जिस बंदे की उम्र होती ना 52 ईयर्स वो बंदा अप्लाई कर सकता है युद्ध है। ठीक है जी। हुण किस तरह जाना है यह समझ लो कि युद्ध यहो जी युद्ध है कि अगर तुम युद्ध अप्लाई कर ली तो समझो कि तुहाडी स्पेन दे विच जिहड़ा 52 साल जिस टाइम उम्र होती है तो समझो तुहाडी पेनशन लग गई है, अगर यह तुहाडी युद्ध लग गई है। तो मसला यह होंगे कि जिस वक्त तुहाडी युद्ध लग जाती है तो युद्ध उदों तक चलनी है जदों तक तुहाडी पेनशन नहीं लगती, यानी कि एक बंदे की 52 साल उम्र हुई है और वह बंदा जिहड़ा उसकी 67 साल तक पेनशन लगनी तो 15 साल बैठ के युद्ध लैंदा रहेगा, यह 6 महीने वाला काम नहीं है। इस गल्ले जिहड़े लोग भी स्पेन आते हैं वो इतने अपना टाइम प्लानिंग के नाल गुजारना है कि मैं जो 52 साल पहुँचा तो कम अज कम यह चीज़ जी है वह मेरे हाथ में हो। एक होर युद्ध आए वह हो 45 साल की उम्र वाले भी वह 60 जी युद्ध है, वो मैं लहदा वीडियो बनावगा, लेकिन यह जो मेरा बुनियादी मकसद है कि कम अज कम तुम प्लान करो कि मैं जो स्पेन चाह मैं 52 साल तो पहले पहले अपनी वीदा लबराल का जोड़ा अपना काम किए है वह 15 साल पूरा कर ला। ठीक है जी। अगर जिस दिन तुहाडा 15 साल काम हो जाएगा फिर तुम पेनशन के भी लीगली हकदार हो जाओगे और 52 साल वाली युद्ध के भी हकदार हो जाओगे। जे तुम पहले कर लिया तो फिर तुहाडे को 45 साल वाली भी युद्ध है, जो तुहाडी उम्र 45 साल होगी तो तुम वह युद्ध अपलाई कर सकते हो। उस तो बाद 52 साल तो यह युद्ध लग जाएगी, फिर पेनशन तक युद्ध बंदा लैंदा रहा है। चलो कोई ना कोई स्पेन च आन का साड़ा बंद फायदा होंगे, कोशिश करया करो कि या आउटोनोमो तो अपने काम से टाइम गुजारो जेड़ा पूरे दिन काउंट होंगे ने, या किसी को काम करो तो 4 घंटे की बजाय 8 घंटे का अपना आलता पूरा करया करो ताकि 15 साल के नेड़े लगो है। यह जी युद्ध पॉइंट बाय पॉइंट चलने युद्ध जी ये मार्च 2019 उन्होंने तब्दील की सी, पहले 55 साल होंगी सी 55 ईयर होंगी सी, उन्होंने 55 ईयर तो 52 ईयर 3 साल डिस्काउंट की है। ये नॉर्मली उस बंद युद्ध देंगे ने जिन्हों को ना कोई पारो का राइट है ना कोई किसी होर किस्म के युद्ध का राइट है, सारे राइट खत्म कर चुके ने है। ठीक है जी। हूँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं बचिया, उन्होंने ना उन्होंने कोम है ना उन्होंने कोई बेनीफिट अपलाई कर राइट रह गया, लेकिन उन्होंने 52 साल उम्र होगी तो वह अयुद्ध अपलाई कर सकते हैं। दूसरा मैं पहले दसाया कि अयुद्ध किन्नी देर रहेगी, कोई 6 महीने साल वाली युद्ध नहीं है, यह उदू तक रहेगी, ये तकरीबन 15-16 साल अयुद्ध चलती है। ठीक है जी। है अगू तुम हिसाब ला लो है कि किन्नी नहीं है ये असं अगू जाकर तुम्हें दसने हैं। ठीक है जी। है नॉर्मल तौर पर यह अयुद्ध जी होंगी है ये 80% इप्रेम की होंगी है, इप्रेम जोड़ा अगे से 500 कुछ यूरो से है जोड़ा मिनीम एक बंद का खर्चा जिन्होंने स्पेन च गिना जाता है, 1 जनवरी 2023 तो वधा के गोरमेंट ने 600 यूरो कर छड़े है, तो युद्ध जी उस हिसाब से लगती है। ठीक है जी। है इदियाँ रिक्वायरमेंट की ने मैं दसागा कि युद्ध बदी है। ठीक है जी। है उस तो पहले रिक्वायरमेंट देख लें, पहली रिक्वायरमेंट तो है वे कि हर किस्म की युद्ध जी उन्हें खत्म की वे पारो का कोई तो कोई राइट नहीं, उन्हें युद्ध खा चुके हैं पारो खा चुके हैं तो उम्र 52 साल है तो वह युद्ध अपलाई कर सकता है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਯੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਕਪੈਸੀਦਾਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਸੀਆਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਪੈਸੀਦਾਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਸੀਆਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਯੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਇੰਪਲੀਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਇੰਪਲੀਅਡ ਹੋਵੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਿਚੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮੰਦੰਤ ਦੇ ਇੰਪਲੀਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 75% ਰੈਂਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਮ 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਵੇ, ਮਿਨੀਮਮ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਯੁੱਧਾ ਨਾ, ਐਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਰੁੱਖ ਮੱਥੇ ਆਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਲੀਸੀਟੂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 600 ਯੂਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁੱਧਾ ਹੋਵੇਗੀ 80%, ਠੀਕ ਹੈ, 80% 8 6 48 480 ਯੂਰੋ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਯੁੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਯੁੱਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਪਾਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 900 ਯੂਰੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਕੁ ਯੂਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 500 ਕੁਝ ਯੂਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 560-570 ਯੂਰੋ ਯੁੱਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 14 ਪਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਗਾਸ ਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੇਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਗਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਉਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯੁੱਧਾ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਥੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।